हे गाइस, कैसे हो आप सब भी। तो गाइस, ये जो वर्ड है, यानी जो ये है, जो वॉइस है, नहीं यानी क्या बोलो इसको, वर्ड या क्या, जो सो हे गाइस जो बोलता हूँ ना, इतना दिन के बाद बोला हो यार, आज बोलकर जो सुकून मिल रहा है ना, क्या ही बोलो। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक, यानी यार 10 डेज, यार हाँ 10 डेज हो गया था चैनल पर कुछ भी वीडियो नहीं आया था। एंड ऐसे मैंने 18 अगस्त को या ऐसे एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया था कि 21 अगस्त से वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन 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 क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या हुआ मेरे साथ, क्यों इतना दिन वीडियो नहीं आया वो मैं बताता हूँ, फिर हम वीडियो का जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या हुआ था, मैं गया था घूमने के लिए, तो फिर यार जो हमने इस मंथ को मैंने प्रॉमिस किया था कि रेगुलर वीडियो आने वाला है चैनल पर, लेकिन जो प्रॉमिस है मैंने रख नहीं पाया, वो प्रॉमिस टूट गया। जब भी गाइस मैं कुछ सोचता हूँ ना, कुछ करूँगा, लेकिन वो नहीं होता है यार, कुछ नहीं तो कुछ दिक्कत आता ही है। तो ऐसे ही मुझे जाना पड़ा एक प्लेस पर, ओके मेरे इधर से थोड़ा दूर है, 400 किलोमीटर है, ओके मुझे जाना पड़ा, इमरजेंसी है, इमरजेंसी था तो इसी वजह से जाना पड़ा। एंड मैंने सोचा कि उधर 2-3 दिन रहने के बाद आके फिर से वीडियो स्टार्ट करूँगा, जो 2-3 दिन में जो वीडियो गैप होगा उसको मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन मैंने आप सभी को बताया था कि 21 अगस्त से वीडियो आ जाएगा, मैंने भी सोचा था 2-3 दिन से जो जाकर उस प्लेस से मैं आ जाऊँगा घर, फिर वीडियो देना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन उसके बाद ही यार, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था उसके पिछले दिन ही मुझे नोटिफिकेशन आया कि आपके चैनल पर एक मेहमान आए हैं। तो वो मेहमान था कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जब पड़ जाता है चैनल पर, 1 वीक के लिए आप लोग वीडियो एंड कोई भी पोस्ट कुछ भी नहीं कर सकते चैनल पर। इसी वजह से कोई भी पोस्ट भी नहीं आ रहा था चैनल पर, कुछ भी वीडियो भी नहीं आ रहा, तो इसी वजह से इतने दिन वीडियो नहीं आया। 25 अगस्त तक 1 वीक हो गया था, तो आज आपको 27 को देखने को मिला, 26 को मैंने थोड़ा वीडियो वगैरह बनाया, ओके 26 को आपको वीडियो नहीं मिला, ओके लेकिन कोई ना, आज से ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियो। तो गाइस मैं तो प्रॉमिस नहीं ही करूँगा, ओके क्योंकि कुछ नहीं कुछ तो दिक्कत आ ही जाता है, मैं जब भी कुछ करूँगा सोचता हूँ रेगुलर तो आ ही जाते, तो इसी वजह से नहीं करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए। एंड हमारे इंडिया पर जो अभी न्यू लॉन्च हुआ महेंद्र स्कॉर्पियो एन, जो कार है ना इतना ज़्यादा अमेजिंग है, एंड बहुत सारे भाई लोग उस कार का गेम खेलना चाहते हैं अपने फ़ोन पर, तो आप लोग खेल सकते हैं। अभी जो मैं कार ड्राइव कर रहा है वो है महेंद्र स्कॉर्पियो एन 2020 मॉडल, ओके यार मॉडल कर दिया यार, मॉडल है, ओके यार क्या बोल रहा हूँ यार, कोई ना। तो आप लोग ये सेम गेम आप लोग आपके फ़ोन पर खेल सकते हैं। गेम करने पहले बताने से पहले आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। एंड जो गेम का नेम है इंडियन कार सिमुलेटर 3D, हाँ गाइस आपको इंडियन कार सिमुलेटर 3D पर ही महेंद्र स्कॉर्पियो एन कार देखने को मिल जाएगा, आप लोग कॉइन्स के थ्रू परचेस कर सकते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि कॉइन्स कलेक्ट करने पर तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे फ्री में अनलॉक नहीं कर सकते, या फ्री में अनलॉक नहीं कर सकते, एंड मैं कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के बारे में नहीं रिकमेंड करूँगा। आप लोग यार ओरिजिनल गेम खेलिए, मिशन कंप्लीट कीजिए, मिशन कंप्लीट करने पर जो आपको मजा आया ना यार क्या ही बोलूँ, ओके। एंड आप लोग यार बहुत ही जल्द मिशन है यार, ये जो है इंडियन कार सिमुलेटर 3D पर इतना हार्ड मिशन भी नहीं है, ओके मिशन 1-2 ऐसे मिलते हैं आपको, बहुत सारे कॉइन मिलता है यार, मिशन 5 से तो आपको इतना ज़्यादा कॉइन मिल जाएगा ना, आप लोग 5 और 6 मिशन कंप्लीट कर दीजिए। एंड महेंद्र आप लोग महेंद्र स्कॉर्पियो एन को तो ऐसे ही यार चुटकी में परचेस कर सकते हो, ओके। तो ये गेम भी मस्त है, आपको गेम का ग्राफिक्स देख सकते हैं, गेम का जो टेक्सचर क्वालिटी वगैरह, एंड गेम का जो कार का मॉडल है यानी स्कॉर्पियो एन का मॉडल आप सभी देख ही सकते हैं। एंड ये गेम बनाया है रोहित गेमिंग स्टूडियो तरफ से, आने वाला इंडियन कार सिमुलेटर 3D है तो पता ही है रोहित गेमिंग स्टूडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम बनाता है। एंड ये भी एक बेहतरीन कार गेम है अपने इंडियन कार सिमुलेटर 3D, तो आपको इसमें ही महेंद्र स्कॉर्पियो एन कार देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो ऑफिशियली कोई भी रियल ऐसे महेंद्र स्कॉर्पियो एन का यानी महेंद्र की तरफ से कुछ भी ऐसा रियल गेम नहीं है, ऑफिशियल गेम, ओके। तो आप लोग ये गेम डाउनलोड कर सकते हैं, इस गेम पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा महेंद्र स्कॉर्पियो एन कार, तो आप लोग खेल सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। सो होप करते हैं गाइस इतने दिन के बाद जो आज इस वीडियो को मैंने अपलोड किया आप सभी को पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके जाना, कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब, एंड जल्द से जल्द 95K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। तो मैं आज से ट्राई करूँगा एक दिन छोड़ के गैप देकर वीडियो लाने के लिए, तो यार रेगुलर तो नहीं हो सकता मेरे से, ओके। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।